गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में हम उन सभी फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिनमें चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है। तो यहाँ पर हम सात फैक्टरों के बारे में बात करेंगे। सात फैक्टर के बारे में बात करेंगे, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, एन, वाई डी। पी एक्स का मतलब क्या होता है? पी एक्स के फुल फॉर्म में आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर, वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये जो हमारा टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में इनमें से एक ना एक फैक्टर जरूर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपने बड़े ध्यान से सुना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएक्स के बारे में। पीएक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जब भी हमारी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस और डिमांड में दोस्तों कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है? इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर टू के बारे में, जिसका है आपका पी आर। पी आर के फुल फॉर्म क्या है आपका? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की अपनी कीमत। रिलेटेड गुड्स आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के प्लेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिनको जिनको मिलाकर हम एक पर्टिकुलर डिमांड को, हमारी वांट को पूरा कर सके, जॉइंटली सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। एग्जांपल के तौर पे स्लाइस एंड माजा। दोस्तों जब आपको माजा नहीं मिलते तो आप उसकी जगह क्या लेना पसंद करते हो? स्लाइस। और जब आपको स्लाइस नहीं मिलते तो आप उसकी जगह क्या लेना पसंद करते हो? माजा। तो ये दोनों कौन से गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और भी काफी ज्यादा एग्जाम्पल है, जैसे टी एंड कॉफी। तो अब हम यहां पर इन दो गुड्स को, एक को हम गुड एक्स मानेंगे और एक को हम मानेंगे गुड वाई। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम पी एक्स के बारे में बात करते हैं तो अदर फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहते हैं, और जब हम अदर फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो पी एक्स हमारा कांस्टेंट रहता है। तो हमने गुड्स वाई को गिवन गुड्स मान लिया। गुड्स वाई को हमने क्या मान लिया? गिवन गुड्स। तो अब आपको ये याद रखना है, गुड्स वाई के प्राइस में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आ सकता। जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? गुड एक्स में आएगा। तो मान लीजिए अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ता है तो गुड्स वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि गुड एक्स गुड्स वाई के कंपैरिजन में महंगा हो चुका है। तब ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से गुड्स की डिमांड करेंगे? गुड्स वाई। उसी तरीके से जब अगर मान लीजिए गुड एक्स का प्राइस कम हो जाएगा तो गुड्स वाई की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों को गुड एक्स काफी सस्ता लगेगा और ज्यादा से ज्यादा किसकी डिमांड करेंगे? गुड एक्स की डिमांड करेंगे। अब काफी बार बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं, वो लिखते कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहां पर क्या आएगा, आपको बड़े ध्यान से सोच समझ कर लिखना है कि देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। यहां पर ये जो प्राइस ऑफ किसका है? गुड एक्स का है। और यहां पर जो डिमांड के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? गुड वाई के बारे में। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जाम्पल के तौर पर पेन और इंक। अब हमने यहां पर गुड एक्स को लिया है पेन, और गुड वाई को हमने क्या ज़ूम करा है? इंक। अगर मान लीजिए पेन का प्राइस बढ़ जाएगा तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर पेन का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर पेन की ही डिमांड कम होगी तो इंक की डिमांड भी अपने आप ही कम हो जाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि इंक हम किसके लिए खरीदते हैं? पेन के लिए। और ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे जो पेन लिया गया है वो फाउंटेन पेन लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए पेन का प्राइस कम हो जाता है तो इंक की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पेन का प्राइस कम होगा तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पेन ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे तो पेन में इस्तेमाल करने के लिए इंक चाहिए होती है, और तो इसी वजह से आपकी इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा आपका नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। और इसी के साथ हमारे दो पॉइंट कवर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। और जब भी हम इनकम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हम अपने गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, पहले आपका नॉर्मल गुड्स और दूसरा हमारा इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव का मतलब यहां पर अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर आपकी इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर आपकी इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब यहां पर कुछ बच्चे
यहां पर कुछ बच्चे इन गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के बच्चे होकर भी यहां पर अगर आप बोलते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है उसे हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं और जिनकी क्वालिटी बेकार होती है उसे हम इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, तो बच्चे आप मूर्ख नहीं महामूर्ख कहलाओगे, क्योंकि हम यहां पर क्वालिटी के बेसिस पर नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को जज नहीं करते। आपने बड़े ध्यान से सुना, यहां पर हम क्वालिटी के बेसिस पर नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को जज नहीं करते। यहां पर हम जो इसका पता लगाते हो किसके साथ पता लगेंगे, इनकम के साथ रिलेशनशिप देखकर। तो हाँ दोस्तों बताइए, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कौन सा गुड्स होगा, नॉर्मल गुड्स। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कौन सा गुड्स होगा, इंफीरियर गुड्स। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, और हमारा फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से। अब हमने यहां पर सर क्लासिफाई करा टेस्ट और दूसरा हमारा प्रेफरेंस। अगर आपका टेस्ट फेवर में है तो आप अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे, अगर आपका टेस्ट अनफेवर में है, आपको चीज नहीं पसंद है, तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। दूसरा प्रेफरेंस, अगर आप उसे हाई प्रेफरेंस दोगे तो उसकी डिमांड ज्यादा करोगे, अगर आपके अकॉर्डिंग उसकी प्रेफरेंस लो है तो उसकी डिमांड कम कर दोगे। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर फाइव पर, पॉइंट नंबर फाइव जिसको हमने कैसे डिनोट करा है, ई। ए का मतलब एक्सपेक्टेशंस, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम करंट टाइम में करंट प्राइस पर करंट डिमांड को बढ़ा देंगे। अगर हमें यहां पर लगता है कि फ्यूचर में गुड्स का प्राइस कम होने वाला है, मतलब गुड्स सस्ता होने वाला है, तो हम करंट टाइम में करंट प्राइस पर करंट डिमांड को कम कर देंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर सिक्स पर, पॉइंट नंबर सिक्स जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। एन मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे तो गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई डी से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का बंटवारा। अगर आपके यहां पर अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइक्वल है तो ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आपकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर आपके यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड में पार्टिसिपेट करेंगे और जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे डिमांड फंक्शन, और अब अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप करके या फिर कॉल कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।